आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो हम बना रहे हैं भिंडियाँ। सिंपल से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये मेरे पास आधा किलो भिंडियाँ हैं, 3 टमाटर हैं जिनको चॉप कर लिए, 3 प्याज है, ये ज़रा बड़े साइज़ के प्याज थे इनको स्लाइसिस में काट लिए, 3 से 4 टेबल स्पून हरा धनिया, 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन कुटा हुआ, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 से 1.25 कप तक ऑयल, 1 टीस्पून जीरा और 1/4 टीस्पून जो है इसमें कलौंजी है, ये 2 टेबल स्पून कुटी हुई कैरी है, 1 से 1.5 टीस्पून तक नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी। सबसे पहले जो है हम भिंडियों को फ्राई कर लेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं। पैन में 1/2 कप तक ऑयल डाल के इसमें भिंडियां डाल देंगे। साथ ही भिंडियों में 1/2 टीस्पून नमक डाल दूंगी। पाँच सात मिनट भिंडियों को फ्राई करने के बाद तो मैंने निकाल ली है। अब 1/4 कप ऑयल डाल के इसमें मैं प्याज डाल के फ्राई कर दूंगी। पाँच सात मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद इसको भी निकाल लेंगे। पैन में बाकी 1/2 कप ऑयल डाल देंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन को 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें जीरा और कलौंजी डाल देंगे। साथ ही इसमें चॉप टमाटर डाल देंगे, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च। 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे। साथ ही 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। टमाटरों का पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो इसमें फ्राई की हुई भिंडियां डाल देंगे। पिसा हुआ सूखा धनिया और ये कैरी का पेस्ट डाल दूंगी। भिंडियों को अच्छे से फ्राई करके इसमें फ्राई किया हुआ प्याज डाल देंगे। तीन से चार साबुत हरी मिर्चें, हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। चार से पांच मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे और फिर हम डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह से जी हमारी भिंडियां बिल्कुल तैयार हैं। बहुत मजे की केरी के साथ ये खट्टी खट्टी सी भिंडियां बनती हैं, टेस्ट में बहुत अच्छी लगेंगी। भिंडियों को फ्राई करते वक्त जो हम नमक डाला है उससे एक तो इनका कलर नहीं खराब होगा और दूसरा ये लेस नहीं छोड़ेंगी। आप देख सकते हैं कि भिंडियों का कलर कितना ग्रीन है अभी भी। तो ट्राई जरूर कीजिएगा, अच्छी लगी तो जरूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।